तो जी ये स्टैंडर्ड है, आप कहीं भी जाते हो तो आप किसी की फोटो क्लिक करो, फिर हम उनकी करेंगे, वो हमारी क्लिक करेंगे. दिस वन सो बैकवर्ड राइड. आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? दिस इज रॉन्स कार जो उसने क्रैश कर दी थी. तो जी जो हैरी पॉटर फैन है, आई थिंक दिस प्लेस इज टोटली फॉर देम. सेंस दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. मेरे को लगता है घर जाते जाते हम पूरे टाइम यही कर रहे होंगे, क्योंकि सबने हमें ऐसे ही हाय हेलो करा है यहाँ पे. हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. सो आपने देखा भाई, लास्ट वीडियो में वी आर एक्सप्लोरिंग द एंटायर नाइट मार्केट ऑफ ओसाका. वी वेंट टू शिनसेकाई and then we went to Dotonbori, which is like the most visited place that you can say within Osaka. So aaj hum ja rahe hain cover karne ke liye Universal Studios in Japan in Osaka, which was like the biggest highlight of our trip, and we are super duper excited to share our entire journey with all of you. So make sure that you watch this video till the end. So ji, agar aap Universal Studios jana chahte ho in Osaka, to aapko Osaka mein jo train chalti hai wo hai loop line. तो आप किसी भी एरिया में होगे, मोस्टली आप दोतनबुरी या फिर जो मेन एरिया है, जैसे हम रुके हैं सुरुहाशी, ऐसी किसी एरिया में होगे आप, तो यहाँ से आपको लूप लाइन लेनी है विच इज़ रेड कलर, और इनका अपना खुद का स्टेशन बना हुआ है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का. देयर यू हैव टू गेट डाउन. बहुत ही ईजी है, गूगल मैप पर डालोगे आप और इट्स अ स्ट्रेट लाइन, लूप लाइन है, तो उसमें आपका 8th या 9th स्टेशन होता है और डायरेक्ट उसकी एंट्री यूनिवर्सल स्टूडियो में ही है. क्योंकि अगर आप टैक्सी लेने का सोचते हो तो भैया 20 मिनट का रास्ता हमारे स्टे से टैक्सी, डीडी ऐप, गो ऐप, जो भी इन सारे ऐप्स यहाँ पे चलते हैं, उस पर दिखा रहा था ऑलमोस्ट 6,000 yen फॉर 20 मिनट्स. तो जी जापान में भी बहुत सारे जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं लेडीज़ के लिए, तो यहाँ पे तो नहीं है बट आई थिंक आगे की तरफ है. तो ये हमें बता रहा है कि हमें लोकल लेनी है जो तेन्नोजी और दूसरी तरफ जाएगी, विच इज़ लाइक रेड कलर ओसाका लूप लाइन, ओ से लिखा हुआ है ना रेड में. तो ऐसे यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म पे मार्किंग बनी होती है. दिस इज़ लाइक वन वे टू नो इफ़ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, अदर वे इज़ टू चेक फॉर द प्लेटफॉर्म नंबर. तो अगर आप गूगल पे डालोगे, गूगल मैप पे, तो आपको बता देगा कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से जाने वाली है. जी जहाँ से हमने अपनी ट्रेन बोर्ड करी सुरुहाशी से, और ऑलमोस्ट विल ट्रैवल 12 स्टेशन्स पहुँचने के लिए यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान, और उसका अपना ही स्टेशन है. और इस जर्नी का जो कॉस्ट था वो अराउंड लगभग 300 येन के आसपास था, बट हमने अपना JR रेल पास ही यूज़ किया है इस ट्रेन के लिए भी, बिकॉज जो JR रेल पास है वो शिनकानसन जो कि बुलेट ट्रेन है उस पर तो चलता ही चलता है, प्लस तो साथ में जो JR लाइंस की जितनी भी लोकल ट्रेन हैं, फेरी है, बसेज हैं, उन सब पर चलता है. सो जी यहाँ पर आप ट्रेन का जो सीट है वो ऐसे पुश करके उसको पीछे की तरफ, पीछे करो, उस तरफ करो, कोई बैठा है, हाँ, तो आप ऐसे पुश करके इसको इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो, बिकॉज ट्रेन जो है वो वापसी जाएगी. सो ये काफ़ी सही चीज़ है यार, आप ऐसे ही बैठे बैठे अपने ट्रेन की सीट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो. तो जी वी फाइनली गॉट ऑफ एट द यूनिवर्सल स्टेशन. सो ये हमारे JR पास में इंक्लूडेड था, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया. और यहाँ पे एग्जिट पे ही 7-Eleven है, जस्ट इन केस इफ एनीबॉडी वांट्स टू बाय समथिंग लाइक अ क्विक मील ऑन अ बजट. Starbucks भी है, तो मतलब बेसिकली यहाँ से वो लेन शुरू हो जाती है जहाँ पे सारी शॉप्स है एंड होटल्स है. तो जिन लोगों ने मोर देन वन डे पास लेना है तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं जनरली. बाकी काफ़ी सही लग रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वेदर बहुत ही अच्छा है, ऑलमोस्ट 22 के आसपास है अभी राइट नाउ. एंड वी आर नाउ थिंकिंग वॉट टू बाई, वी हैव लॉस्ट एन ऑल्सो यहाँ पे, तो पहले कुछ खा लेते हैं और कुछ ले लेते हैं अंदर जाने के लिए. तो जी यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा एक मॉल टाइप बना रखा है राइट बिफोर यू एंटर यूनिवर्सल स्टूडियोज़. और अब हम एकदम यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के सामने हैं, एंड दिस लुक्स ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. तो जी एंटर करते ही ऑन द राइट साइड यू हैव दिस ह्यूज यूनिवर्सल स्टूडियो का जो सबसे मेन आइकॉनिक लैंडमार्क है, विच इज़ दिस ग्लोब, रोटेटिंग ग्लोब, बड़ा ही गजब का लग रहा है. हमने पे किया है पर पर्सन 4,500 रुपीज़, दो लोगों का मिला के ऑफकोर्स 9,000 रुपये हो जाता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है डिज्नीलैंड या यूनिवर्सल स्टूडियो. तो दिस इज़ वन ऑप्शन इफ़ यू जस्ट वॉन्ट अ पिक्चर, बट अभी अंदर जाएंगे हम क्योंकि टिकटिंग काउंटर इस साइड है. तो जी ये स्टैंडर्ड है, आप कहीं भी जाते हो
तो आप किसी की फोटो क्लिक करो, फिर हम उनकी करेंगे, वो हमारी क्लिक करेंगे। तो जी हमारी एंट्री हो चुकी है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में फाइनली। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना था, डोंट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ लिक्विड इनसाइड। पानी आप कैरी कर सकते हो बट एनी ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। उसके अलावा इट इज़ ह्यूज। टिकट दिखाया हमने, हमारे पास पहले से ही टिकट था, तो नोबडी आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। बाकी अब अंदर आ चुके हैं हम। क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ पे हम नज़ारे। If I could take you back to my youth, I'd show you what I wish I knew. My will is strong. Very pretty. जैसे आप एंटर करते हो ना, इट बिकम्स एविडेंट दैट यू आर फाइनली इन यूनिवर्सल स्टूडियोज। इतना गजब का डेकोरेशन है, इतना बढ़िया इन्होंने पूरा का पूरा अंदर से बना रखा है विद ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड देयर सो मच। या आई मीन आई डोंट नो व्हिच डायरेक्शन शुड आई गो इनटू। सो यूनिवर्सल स्टूडियो में बहुत सारे छोटे छोटे थीम पार्क्स बने हुए हैं, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेस टिकट लेनी होती है या फिर एरिया टाइम पास लेना होता है, एंड यू कैन बुक दैट वाया दी यूनिवर्सल स्टूडियो ऐप। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मुझे हॉगवर्ट्स का मिल जाए, बट लेट्स सी, सीधा जाना है हमें। तो जी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का अपना एक ऐप भी है, हमने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जापान का ऐप डाउनलोड किया हुआ है। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सारे अट्रैक्शंस के बारे में। प्लस मैप में ही आप देखोगे तो आपका GPS लोकेशन भी बताता है कि आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ जाना है। तो हम अभी यहाँ पे हैं और मुझे जाना है हेयर, तो थोड़ा सा वॉक है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट साइड। ड्रीम एरिया में उसके एंट्रेंस पे लिखा हुआ है कि ये राइड्स हैं और इस राइड में इतने मिनट्स की वेटिंग है। हमें राइड्स करनी है बट हम देखेंगे। देखो वो रही राइड्स। It's a backward ride. Are you sure you want to do this? बहुत ही क्रेजी बना रखा है इन्होंने। Yeah, this is one thing that I don't like about these places. कि हर राइड पे, every single ride has 1 hour waiting. There is a life I lead in this city. Hurrying to cup my teeth. Can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the prairie. So there's so much to do in the park, and I'm बिल्कुल time waste ना करके सबसे पहले जा रही हूँ Hogwarts को देखने के लिए, because I only came for that. But have you seen Harry Potter? Yeah, not that much, but yeah, एक दो movies starting की देखी है. मगलू। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल, टुडे इज थर्सडे, तो इमेजिन इतने लोग थर्सडे को हैं, तो वीकेंड्स या पब्लिक हॉलीडेज पे कितने ज़्यादा लोग हैं। मुझे यहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइन लगने लगती है। आई डोंट माइंड, दिस इज रॉन्स कार जो उसने क्रैश कर दी थी, इफ यू सीन द सेकंड एपिसोड, सॉरी द सेकंड मूवी। आई हैड अ फीलिंग बट द फीलिंग इज ऑल गॉन। जो हैरी पॉटर फैन है, आई थिंक दिस प्लेस इज टोटली फॉर देम। आप हो तो आप ही इसके बारे में टूर दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो वी आर वॉकिंग राइट नाउ इन द डायगन एली, जहाँ से हैरी पॉटर ने अपनी वॉन्ड ली थी, एंड आई रियली वॉन्ट वॉन्ड, सो आई एम गोना गो इनसाइड अ स्टोर एंड गेट द वॉन्ड। बट बिफोर दैट वी गोना हैव सम बटर बियर। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? या, बट ये जो बटर बियर है बेसिकली यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक बटर बियर में, एक नॉर्मल बियर भी है जो कि नाम के लिए बियर है, इट्स लाइक अ फ्रूट बियर, और उसमें बटर डालते हैं बहुत सारा। यस, वही हम ट्राई करेंगे। तो जी ये बटर बियर लेने के लिए इतनी लंबी लाइन है, वो भी दो, लाइक दिस वन ऑन द लेफ्ट वन ऑन द राइट। बट आई डोंट थिंक उतनी कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ बहुत फटाफट हो जाता है। लाइन तो काफ़ी लंबी है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर बटर बियर। बट तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने रिलेटेबल स्टोर्स हैं, एग्जैक्ट वैसे ही स्टोर्स बनाए हैं इन्होंने जैसे हैरी पॉटर में थे। दिस इज़ द स्टोर जहाँ पे आप ये फ्लाइंग रूम ले सकते हो अंदर जाके, अभी हम जाएंगे इसमें। बट ये देखो, ये जो है ना, ये आइकॉनिक साइन बोर्ड है जो थर्ड मूवी में था। हैव यू सीन दिस विज़र्ड, जब सेवेरस स्नेप जो है वो
जेल तोड़ के भाग गया था. प्रॉपर बनाया उन्होंने एंड जस्ट टू गिव इट लाइक अ प्रॉपर वाइब यहाँ पे ऐसा स्नो भी दिखाया हुआ है. एंड वहाँ जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस थी उसमें वो भी निकल रहा था ना, फॉग भी निकल रहा था. काफ़ी सही लग रहा था वो. बहुत सही लग रहा है. बट आई थिंक ये यहाँ पे आ रहे हो ना तो यू हैव टू कीप द एंटायर डे विद यू. रीजन बीइंग कि यहाँ पे बहुत भीड़ होगी. हम थर्सडे को आए हैं, भीड़ देखो आप. पर एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू, एवरी फूड दैट यू वॉन्ट टू ईट, हर जगह ऐसी लंबी सी क्यू होती है. तो और क्यू में आपके इजिली आधा घंटा 40 मिनट तो सिर्फ क्यू में खड़े रहने में लग जाए. हम लोग यहाँ पे खड़े हैं लास्ट 15 मिनट्स से एंड आई थिंक वी हैव मोर 15 मिनट्स टू गो. दैट राइड 90 मिनट्स का वेटिंग है उस राइड का. तो जी ये बटर बियर का यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल नॉन एल्कोहलिक. 800 yen का है नॉर्मल और फ्रोजन वाला है 900 yen का. हाय बटर बियर नॉर्मल जस्ट नॉर्मल टू यस. तो हमने दो लिया है 1600 yen का. दो लिया आपने? हाँ. मुझे लगा एक ही लोगे. तो आप चले गए, मैं पूछूं किससे? मुझे लगा था कि हम एक ही लेने वाले हैं बट इसने दो ले लिया. मैं थोड़ा सा लाइन से हट गई थी पिक्चर्स लेने के लिए सो ही गॉट टू. बेसिकली इट्स लाइक फ्रूट जूस विद सोडा एंड ऊपर इन्होंने एक बहुत मीठा सा क्रीम डाला हुआ है. काफ़ी सही लग रहा है. एंड दिस इज माइन, दिस इज लाइक कैंडी. मतलब कैंडी को पिघला दो ना ऊपर से वैसा सा है. बट यहाँ पे चीज़ें फिर भी काफ़ी अफोर्डेबल है कंपेयर टू हांगकॉन्ग डिज्नीलैंड जो हम गए थे. वहाँ पे तो सब कुछ ही बहुत क्रेजी था, लाइक एवरीथिंग वाज 50-60 हांगकॉन्ग डॉलर्स. कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू? ओके. या सो वी आर राइट आउटसाइड द ओली वंडर्स. दिस इज द मेकर्स ऑफ फाइन वॉन्ड्स. अगर आपको स्टोर में भी जाना है तो इसका भी वेटिंग टाइम है. देयर इज अ होल क्यू देयर. वेट टाइम इट सेज 10 मिनट्स. मुझे लग रहा है 10 मिनट से ज्यादा ही लगने वाले हैं. लेट्स सी इफ वी कैन गो इनसाइड. काफी पीछे खड़े हो आप. आपने छोटू ऑर्डर किया ना, छोटू लगा आपके लिए लगे. बाय द वे ये देखो पीछे कितना जबरदस्त व्यूज है. वाओ. और वेदर कितना अच्छा हो रखा है ना. आई लव द हैरी पॉटर म्यूजिक प्लेइंग बिकॉज़ इट्स गिविंग इट द एक्चुअल फील्स. यू कैन सी अगर आपको कैसल में जाना है तो उसका भी क्यू है यहाँ पे. ऑनेस्टली आई रियली एडमायर लोगों का पेशेंस जो 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं. मेरे को तो 10 मिनट हो रहा है मैम, लाइक इज इट वर्थ वेटिंग. अगर ये हैरी पॉटर नहीं होता ना तो मैं कभी वेट नहीं करती. Welcome to all of us. Makers of Fang Wands, 682 BC, Mahotskaya Eravinas. The wand chooses the wizard. I sense you are the next to be chosen. A young wizard, please step forward. Ah, my doors. yes, welcome to Ollivanders. I am the wand keeper. Oh, we've been expecting you. Yaku, who are you thinking of? Stella. Oh, of course. Tsuewa, is this your first wand, Stella? It is. Very good. Please, step into the light. Just this way, that's it. So, Kawane, you've come here, you know. Ah, Kawane. Very good. Oh. Go! Allow me. Repair! Interesting. Let us see if you can make that bell ring once. So, you'll get the raise your wand. That's it. Try this one. Will not tolerate a lady.
not be a problem for you. Someone so energetic and hardworking is certain to win this one's loyalty in the wink of a book. A pleasure to have met you, Stella. Thank you for selecting all of us. Arigato. हाँ जी मानो जी सो एवरीवन हैज इट्स नेम ऑन इट जैसे दिस वन इज फॉर सीरियस ब्लड्स ये हर्मायनी ग्रेंजर की है दिस वन इज हैरी पॉटर्स वॉन्ड प्राइस सबका सेम है 5500 येन इफ यू वांट टू बाय एंड यू कैन चूज व्हिच वन यू वांट टू रिप्लेस जी ये जो आपने वॉन्ड अभी हमने लिया है इसमें आगे सेंसर लगा है तो यहाँ पे कुछ कुछ स्पॉट्स है जहाँ पे आप ऐसे वॉन्ड को पॉइंट कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ मैजिक ये एक काइंड ऑफ अ ट्रिक है जो आप कर सकते हो अपने लिए हुए वॉन्ड के साथ सी तो हमने ऐप के थ्रू ही अपना सुपर निंटेंडो वर्ल्ड के एंट्रेंस के टिकट क्यूआर कोड के थ्रू बुक कर लिया बेसिकली आपको टाइम टिकट बुक करनी पड़ती है टाइम स्लॉट एग्जैक्टली उसी टाइम नहीं मिलेगा आपको या आपको रिफ्रेश ऐप एंड मल्टीपल टाइम्स आपको सर्च करना पड़ेगा तब मिलेगा तो जी हम अभी आए हैं यहाँ की एक बहुत ही फेमस हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस वाली राइड को करने के लिए बड़ा मेरे पीछे भीड़ देखो इस राइड को करने के लिए ऑलमोस्ट 70 मिनट्स की वेटिंग है इतना लंबा क्यू अप करके हम खड़े हैं ऑनेस्टली इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हमने सोचा कि चलो कर लेते हैं दो घंटे हॉगवर्ड्स में घूमने के बाद हम लोग फाइनली पहली राइड करने आए हैं और आप क्यू देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे इतनी लंबी क्यू है लॉट ऑफ पीपल फाइनली हम लोग अंदर जा रहे हैं आफ्टर वेटिंग फॉर व्हाट लुक्स लाइक 2 आवर्स तो अब ये यहाँ पे जादू करने वाली है यूजिंग दी वॉन्ड दैट शी हैज बॉट Raise your wand. Down. Yes. Para. Meteor Jinx. Meteor Jinx. いい感じ。手を上に向けないように。Meteor Jinx. Okay. Meteor Jinx. 欲しいですよ。いい感じ。Bigger. 横に大きくして。Okay. Smaller. Bigger. She's okay. trying to do some magic here. Meteor Jinx. Meteor Jinx. How much is it for? 4900 मतलब आप लगा लो ये वाली जो कैप्स आपको यहाँ पे दिखती है दुनिया पहन कर घूम रही है ये है कैप 4000 येन के आसपास मतलब ऑलमोस्ट 1800 रुपए की है तो मैं ये बोल रही थी कि हम लोग हैरी पॉटर एक्सप्रेस वाली राइड्स आए हैं बहुत अच्छी राइड है लाइक इट्स वर्थ द वेट हम लोग एक घंटा आई थिंक 1 घंटा 10 मिनट खड़े रहे लाइन में खाना खा के मत जाना नहीं तो मोशन सिकनेस हो जाएगी बिकॉज ऊपर नीचे पूरा कर देते हैं वो लोग एंड कैमरा लेके मत जाना बिकॉज यू हैव टू होल्ड द थिंग एट ऑल टाइम्स जो हैंडल है यू हैव टू होल्ड इट एट ऑल टाइम्स बिकॉज बहुत ज़्यादा रोटेट करते हैं ठीक है और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए ढूंढते हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट तो जी यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में
हमें जैसे ही साइड वॉक मिला जहाँ सारे के सारे बैठे, हमें आ गई हांगकॉन्ग की याद. हांगकॉन्ग डिज्नीलैंड में भी हम ऐसे ही बैठे हुए थे. एंड आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू वुड बी टू ब्रिंग इन सम मील्स फ्रॉम 7-Eleven या लॉसन. यहाँ पे एंट्रेंस पे लॉसन भी है, 7-Eleven भी है, तो आप खुद अपने साथ कुछ खाने के लिए ले आओगे तो वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा, बिकॉज अदरवाइज़ यहाँ पे सारी चीज़ों के प्राइस ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स हैं. तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या बजट ट्रैवल कर रहे हो, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन टू ईट एनीथिंग फ्रॉम हेयर. अदरवाइज़ अगर आप फैमिली के साथ हो एंड यू आर इन अ मूड टू स्पेंड, देन स्काई इज़ द लिमिट. यहाँ पे सब कुछ मिलता है. महंगा तो है बट हम 20 मिल रहा है मोस्टली. चिकन भी नहीं है. हाँ, पीछे एक पिज़्ज़ेरिया है, वहाँ पे आप जा सकते हो. वो दिस इज़ राइट ऑपोजिट दी हैरी पॉटर स्टूडियो. वहाँ पे आई थिंक अराउंड 2700 येन पर पर्सन का है कुछ. एक प्रॉपर मील है, पास्ता वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड. बट अभी हम जस्ट बैठे हैं, हमारे पास ओनिगिरी है एंड बिस्किट्स हैं एंड देन पानी की बॉटल. दीज आर नो ऑर्डिनरी बिस्किट्स, दीज आर ब्लूबेरी फिल्ड कुकीज. तो जी, इन्होंने यहाँ पे एक लाइफ साइज कार्डबोर्ड से पूरा कटिंग बना रखा है. नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यूयॉर्क. बट ओनली दीज टू, बाकी सब बने हुए हैं. आई डोंट नो, उनको वर्थ नहीं लगा होगा इन्वेस्ट करना. इन्होंने फेक बनाने के चक्कर में ट्रेन स्टेशन का एग्जिट एंट्रेंस ही बना रखा है, रोल बंद है. को पूरा का पूरा इन्होंने अमेरिकन स्टाइल बनाने की कोशिश करी है. हाँ. बिल्डिंग से लेके, रोड से लेके, टैक्सी से लेके, विच इज एक्सट्रीमली यूनिक अपने आप में. तो जी, वॉक करते करते हमें बीच में रोक दिया गया, बिकॉज एक डायनासोर भाई साहब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं. जस्ट अभी बैकआउट कर दिया. हम लोग गए थे अभी लाइन में खड़े होने, बट हमने सोचा कि अभी अभी खाना खाया है, बाहर में निकालना है तो नीचे खाना बरसेगा, फिर लोग बोलेंगे कहाँ से आया. एंड इसका ट्रैक भी आप देखोगे ना, पूरा रोल हो रहा है, मतलब 360 डिग्री आपको घुमा देंगे. तो आई डोंट थिंक इट्स द बेस्ट टाइम फॉर अस टू डू दिस, एटलीस्ट. एंड ये जुरासिक पार्क का एंट्रेंस है. तो जुरासिक पार्क की जो इनकी एक राइड है मेन, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए वो बंद है. वह अंदर डायनासोर शोज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एंटक शॉप्स हैं, तो वो सब तो कंटिन्यू हो ही रहा है. तो जी, यहाँ पे आप भीड़ देखो, यहाँ पे एवरी वेयर दैट यू गो, ईच एंड एवरी राइड, हर जगह इतनी ही भीड़ है. तो अगर आप आ रहे हो तो मेंटली और फिजिकली दोनों ढंग से प्रिपेयर होके आना. फाइनली खाना ऑर्डर कर दिया, बिकॉज़ कोई राइड्स में नहीं चढ़ पा रहा था बिना खाए. तो हम लोग आ गए स्नूपी के सेक्शन में. पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, नहीं आ रही. बट हम लोग स्नूपी के सेक्शन में आए थे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर रेस्टोरेंट बना हुआ है विच इज़ थीम दैट स्नूपी ओनली. एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड अ पास्ता, ही इज़ हैविंग द स्नूपी बर्गर. बड़ा क्यूट सा इन्होंने बॉक्स बनाया, लुक्स लाइक स्नूपी. The cake also has Snoopy's face on it. Yeah. Then we have some drinks and fries. So meal ले लिया हमने proper. And इन सब का हमने pay किया है around 3200 yen. तो आप उस हिसाब से calculate कर लेना. ना, हमने खाना खा लिया, अब उसको लग रहा है कि इसको राइड में नहीं बैठना है. तो मैं सोच रहा हूँ पीछे लग रहा है, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, Snoopy वाली राइड में बिठा देती हूँ उसको. बिठा दो. नहीं नहीं. बट तो सही लग रहा था, क्यूट है. आई मीन दिस सेक्शन आई थिंक इज़ फॉर किड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट राइड्स हैं. ये ईस्टर बनी बने हुए हैं एंड देन देयर इज दिस कपकेक राइड, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है. तो जी, जापान में एनीमे और कॉस्प्लेस तो क्रेजी लेवल के होते हैं. यहाँ पे इन लोग के आप ड्रेसेस देखो, जो उन्होंने पूरा गेटअप किया हुआ है कॉस्प्ले के हिसाब से, तो यूनिक है. तो जी, पर कुछ भी कहो, यहाँ पे इन लोगों ने ओवरऑल इसको बहुत बढ़िया बनाया है. सबसे सही चीज़ हमें लगी क्लेनलीनेस, बिल्कुल साफ़ सुथरा है. हांगकॉन्ग वाला भी एकदम ऐसे ही था. डिज्नीलैंड तो खैर हर जगह का अच्छा है, बट दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम विजिटिंग
a Universal Studio and I must say that this is one of the most beautiful places that I've been to. और पैसे एकदम आपके वर्थ हैं यहाँ पे आना, बट अगर वेटिंग नहीं होती ना इतनी तो आई थिंक और ज़्यादा मज़ा आता. Now we have come to Universal Studios biggest attraction, which is one ride. It's called the Hollywood Dream. तो इसमें एक राइड के अंदर ही दो राइड्स हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आपको सीधा जाना है या आपको बैकवर्ड्स जाना है. तो बैकवर्ड्स की भी एक राइड है तो हम लोग सीधे वाली ले रहे हैं. तो जी हमने अभी एक राइड करी यहाँ की, आई थिंक तो हमने जो राइड करी ना वो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है. आई थिंक इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल स्टूडियो सम सॉर्ट ऑफ राइड. आपको पूरे यूनिवर्सल स्टूडियो का चक्कर कटवाते हैं. यू एंटर फ्रॉम हियर एंड देन पूरा घुमा के यू सी दैट ट्रैक. वैसे हम भी गए थे. हाँ वैसे हम भी गए थे. तो दो ऑप्शन है, एक तो होता है यू गो स्ट्रेट, द अदर इज यू गो बैकवर्ड्स, विच इज़ कि आपकी सीट पीछे जा रही है. कैसा लगा आप बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? आपने आधा घंटा पहले खाना खाया. Still trying to be normal. थोड़ा सा समय ले रहा हूँ मैं बिकॉज उसका जो फोर्स था ना, आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दिस. ये देखो ये गए बैकवर्ड्स सारे. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. As usual, आप देखो ये फोटोज क्लिक कराने के लिए Nintendo World के सामने कितनी लाइन लगी हुई है. सारे लोग लाइन में खड़े हैं. Professional photographer as well. It's like walking into a Mario game. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. तो जी अगर किसी ने भी मारियो गेम खेला है और या फिर निंटेंडो स्विच है किसी के पास अभी करेंटली, दे कैन अंडरस्टैंड दिस एंटायर फीलिंग. तो आप ये निंटेंडो जोन में आने की पूरी फीलिंग समझ सकते हो. और आपको ऊपर वो राइड दिख रही होगी चल के जा रही है, उसी राइड की बुकिंग हमने करी है अराउंड 7:20 की. अभी बजे हैं 7:05, 15 मिनट में हमें वहाँ पहुँचना है बिकॉज हमारी बुकिंग है. एंड देन वो राइड हमें पूरा ये कैसल में जो भी इन्होंने बना रखा है पूरा अंदर लेके जाएगी. बाहर इतना अच्छा वेदर है बट इन्होंने फिर भी एसी चला रखा है. मेरे को लगता है घर जाते आते हम पूरे टाइम यही कर रहे होंगे क्योंकि सब ने हमें ऐसे ही हाई हेलो करा है. यहाँ पर लगता है एक पहली राइड होने वाली है आज की जिसमें हम लोग एक्चुअली अपना फ़ोन और कैमरा सब कैरी कर पाएंगे. बहुत ही एवरेज बेसिक सी राइड है. बेसिकली हमारी सीट के ऊपर यहाँ पे आपको नजर आएंगे ये एग्स बने हुए हैं. तो जो एग्स दिखते हैं आपको वो प्रेस करना होता है. एंड दिस सीम्स टू बी वेरी क्यूट वेरी फनी. ऑनेस्टली मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि हमें बैठने के लिए मिल गया. बहुत देर से खड़े थे हम यहाँ पे. इन दिस फील्स लाइक एज इफ यू आर इन अ गेम ऑल टुगेदर. बहुत ही यूनिक है. और so हमने cute. हाँ मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होने वाला है. बट दिस इज एक्चुअली रियली नाइस. ग्रीन एग. ग्रीन एग आया. ग्रीन एग आया तो हमने यहाँ ग्रीन प्रेस किया. हमारे पीछे यहाँ पे ग्रीन एग आया. It's like you're in a small game. And I think this is the only downside of Universal Studios that all the rides here, all the rides, कोई भी आप करना चाहो कम से कम एक से डेढ़ घंटे की वेटिंग है. तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अगर आप तीन राइड भी करते हो तो आप चार घंटे कम से कम वेट करने वाले हैं. So, gee, that was our entire experience of Universal Studios in Osaka. I hope you all liked it. तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैंने सोचा कि आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ओसाका में स्पेशली यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में यहाँ पे आपको हर तरफ कॉइन लॉकर्स मिलेंगे ट्रेन स्टेशन पे. यूनिवर्सल सिटी का जो ट्रेन स्टेशन है तो आपको ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि लगेज कहाँ पे स्टोर करें. यहाँ से चलो
तो आपको ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि लगेज कहाँ पे स्टोर करें, बिकॉज लगेज स्टोरेज के काफ़ी ऑप्शंस हैं, इनफैक्ट हर तरफ है। 800 येन से लेकर के 500 येन, 800 येन के आसपास आपको एक दिन का लॉकर मिल जाता है, एंड यू कैन ऑल्सो पे बाय स्वीका पासमो कार्ड। बाकी हमारा एक्सपीरियंस ठीक था, अच्छा था, फॉर वन टाइम डेफिनेटली यू शुड विजिट। बाकी या दैट वाज इट। तो जी अपने साथ खाना ज़रूर लेके आना 7-Eleven से, या फिर जो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट वेजिटेरियंस के लिए अंदर बिल्कुल ना के बराबर ऑप्शन है, तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। बाकी अंदर चार्जिंग पॉइंट्स कहीं पर भी नहीं है, किसी भी कैफ़े में नहीं है, सो मेक श्योर दैट यू कैरी अ पोर्टेबल चार्जर विद यू, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कल बैटरी डेड हो गई थी, इस वजह से हम अभी शूट कर रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again?